नमस्कार, मैं विजय। आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव के गूंज दिल्ली तक। ग्वालियर में नई मिसाल पेश करते हुए यह युवा बता रहे हैं कि वाकई भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने वाली है, क्योंकि आज जहां महामारी के समय लोग नकली इंजेक्शन, दवाएं और ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करके धन कमाने में लगे हैं, वहीं युवाओं की यह टोली ग्वालियर में कई लोगों का मतलब कम से कम 300 से 400 लोगों को रोज़ाना दोनों वक्त राशन, पका हुआ भोजन खिलाने का काम कर रही है। वाकई यह काबिले तारीफ है, क्योंकि जब युवा सेवा के ऊपर उतरता है, समाज के एक हिस्से को उठाने का प्रयास करता है, तो जाहिर सी बात है इसका हम सबको आगे बढ़कर समर्थन करना चाहिए। इन युवाओं के पास जितना भी संसाधन मौजूद है, इनके अपने कार्यशैली और इनके अपने क्षमता से बढ़कर इनके अपने हौसले का एक नायाब सा उदाहरण है। आप देख सकते हैं कि तन्नू चौहान, सूर्या तोमर, सुमित चौहान, दीपक पाराशर, रुद्र प्रताप परमार, आकाश गुप्ता, सूरज शर्मा, यह सब साथी मिलकर किस तरीके से लोगों के भूख की गूंज को पूरा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है इनके खाना खिलाने की इस एक्टिविटी से हम यह तो नहीं कह सकते कि यह बच्चे ऐसा काम कर रहे हैं जिससे भारत से भुखमरी ख़त्म हो जाए, लेकिन हमसे आपसे अलग हटकर यह एक प्रयास तो कर रहे हैं। और यह सच है कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो वाली लाइन को पूरी तरीके से सही करता है। इन दोस्तों ने आज किसी बड़े कॉरपोरेट घराने से जो मुनाफा कमाने की फिराक में लगा हुआ है, या ऐसे हॉस्पिटल जहां पर मरीजों से लूट मार चल रही है, या हमारी सरकारें जो आज शमशान घाट में जाकर घुटने टेक रही हैं, उनसे बहुत बेहतर हैं। कम से कम जो जिंदा हैं उनको भूख से ना मरने की गुंजाइश यह दूर कर रहे हैं, और उनको खाना खिलाकर ना सिर्फ यह समाज को नया संदेश दे रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को उनके जिम्मेदारी का बोध भी दिला रहे हैं। अगर ऐसे युवा साथ मिलकर आगे बढ़ते रहे तो जाहिर सी बात है कि एक दिन नया भारत जरूर बनेगा, और वो भारत हमारे आप सब के लिए खुशहाल समाज वाला भारत होगा। ऐसे युवाओं को, उनके जज्बे को लोकल न्यूज ऑफ इंडिया तहे दिल से सलाम करता है, क्योंकि ऐसे लोग ही हमारी गांव की गूंज हैं। अब सबसे गुजारिश है कि इनको जिस तरीके से भी मदद कर सकते हैं ज़रूर करें, क्योंकि यह वही कोशिश कर रहे हैं जो आज के समाज की ज़रूरत है और जो लोगों के लिए नहायत ज़रूरी मदद में आता है। हमारे इन साथियों का यह प्रयास समाज के लिए ना सिर्फ एक अनूठा योगदान साबित होगा, बल्कि आने वाले समय में जब इस महामारी के दौर का जिक्र इन खाना खाने वाले लोगों के जुबान पर आएगा, तब इन नौजवानों को सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद ही मिलेगा। यह इसी की दरकार में यहाँ पर काम कर रहे हैं, और आपको बता दें कि इनका बिल्कुल सुसंगठित तरीका है खाना पकाने का। रोज़ ताज़ा पका हुआ खाना यह लाते हैं, पैक करते हैं और लोगों को बड़े ही सुव्यवस्थित तरीके से बांटते हैं, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड के नियमों का पालन करते हुए। यह लोग खुद अपने आप को सुरक्षित रहकर समाज के एक बड़े तबके को खाना खिलाने का जो यह काम कर रहे हैं, यह अपने आप में हमारे आप सबके लिए एक मिसाल है। कम से कम हम इनसे सीख लेकर के 1, 2, 3, 4 जितनी भी हमारी क्षमता है उनको खाना रोज़ाना खिला सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हम इन नौजवानों की हौसला अफजाई करें, तो आपको इनके अपने संसाधनों को मदद करने में आगे आना चाहिए। ग्वालियर के जो दर्शक लोकल न्यूज ऑफ इंडिया को देखते हैं, उनसे अपील है कि आप इन युवाओं को आगे बढ़कर सपोर्ट करें, और बाकी देश के लोगों से भी यही गुजारिश है।